हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं लेदर जैकेट के कारखाने में। और कैसे क्या होता है पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कैसे आप उसका बिज़नेस कर सकते हैं और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है बिज़नेस के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको राइट प्लेस पर राइट चीज़ खरीदनी पड़ेगी। जब तक आप सही चीज़ सही जगह से नहीं खरीदोगे, तब तक कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको अभी बात समझाई कि सही जगह। अब सही जगह क्या होती है? एक कारखाना होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े कारखाने होते हैं, पता है उनके उनके एक्सपेंसेस इतने होते हैं कि वो एक्सपेंस के कारण आपको सही रेट पे माल नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ न्यूक्लियर कारखाने होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि न्यूक्लियर कारखाने क्या होते हैं, छोटे छोटे कारखाने होते हैं, एक परिवार उनको चला रहा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं और उनके खर्चे भी इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो कुछ बहुत ज़्यादा पैसे आपसे चार्ज करें। तो इस हिसाब से अगर आपको ऐसे कारखाने मिलते हैं तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हो, क्योंकि आपको जेन्यून रेट जेन्यून प्राइस मिल जाता है। तो आज ऐसे ही एक कारखाना, छोटा सा कारखाना, एकदम छोटा सा कारखाना है, और आपको जो जैकेट बनाते हैं, कानपुर का लेदर प्रसिद्ध है, आपको पता है कानपुर की लेदर के लिए ही जाना जाता है, गूगल भी कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें जब आप ऐसी जगह पहुँचते हो तो आपको एक ट्रू वैल्यू ट्रू चीज़ें मिलती हैं और वो बिज़नेस को आगे बढ़ाती हैं। तो चलिए पहले तो दिखाते हैं कि कैसे काम हो रहा है, कैसे बन रहा है, उसके बाद हम आगे बिज़नेस की बात करेंगे। आगे कैसे आप मतलब कनेक्ट हो सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप बिज़नेस कर सकते हो, इस पर भी बात करेंगे। तो चलते हैं, पहले देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले पैटर्न, ये देखिए, ये मास्टर हैं जो इसके कारीगर हैं और ये सिल रहे हैं, जैकेट को सिल रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, ये जैकेट है, ये लेदर है, ये लेदर, इसके नीचे आपने फ़र देखा होगा लेदर जैकेट के नीचे, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए जैकेट है और इसके नीचे फ़र लगा हुआ है ना, ये आप फ़र देख रहे हैं ना, यही चीज़ काम यहाँ पे ये कर रहे हैं। और बड़े ही छोटे से कमरे में इनका काम चल रहा है, देखिए कितना छोटा सा है, और छोटा सा कारखाना है, हल्का सा छोटा। आपको बड़े कारखाने और छोटे कारखाने में अभी मैंने फ़र्क बताया कि क्यों आपको छोटे कारखाने से काम करना चाहिए। ये पैटर्न होते हैं, जैसे जो जैकेट जैसे बनती है वो इसी तरीके से बनती है, और फिर उसकी कटिंग होती है और कटिंग होके इस तरीके के बंडल में आ जाती है। जैसे कटिंग होने के बाद ये अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग, जैसे ये बहुत सारी कटिंग्स के को जोड़ के जैकेट बनाई गई है, तो ये सारी की सारी कटिंग्स हैं, छोटी छोटी कटिंग्स हैं जिनको जोड़ के एक बड़ी जैकेट बनाई जाती है, जो आपके सामने इस तरीके से रखी है। ये जो कलर है इसकी, ये बनी हुई जैकेट है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये, और फिर उस कटिंग के बाद जब वो कटिंग पूरी हो जाती है तो उस कटिंग के बाद यहाँ आता है। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ये फर लगते हैं, जो ऊपर फर आपको दिख रहे हैं ये फर लगते हैं, इधर देखिए ये पूरा फर रखा हुआ है, ये फर लगेंगे, ठीक है। ये फर के बाद ही ये जैकेट की यहाँ पे ये सिलाई करते हैं, कारीगर हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेहताब जी। और ये यहाँ पे काम करते हैं। लगभग कितनी जैकेट बना लेते हैं आप दिन भर में? डेढ़ से दो जैकेट बेचारे बना पाते हैं। तो बहुत मेहनत का काम है जो आप आसानी से पहन के ले लेते हो, उसको बनाने के पीछे का जो मेहनत है वो आप देख सकते हो, छोटे से कमरे में मेहनत कर रहे हैं। अब आपको हम ये दिखाएंगे कि ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए लेदर है, ये लेदर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा लेदर की सीट्स हैं जिनको जिन पे छपाई होगी। ये देखिए लेदर की सीट्स हैं, प्योर लेदर है इसमें, मतलब कोई रैक्सीन का तो खैर कानपुर में काम ही नहीं होता है, दिल्ली विल्ली में होता होगा, बट ये प्योर लेदर की सीट्स हैं जिन पे ये पैटर्न्स हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पैटर्न्स हैं जो कि छपाई करी जाती है। अलग अलग तरीके के आप जैकेट देखते होंगे, जैसे ये देखिए ये लेडीज़ की जैकेट है, ठीक है, ये एक जैकेट आई, ये जैकेट आई, ये ऐसे करके बहुत सारी जैकेट हैं। और कारखाना छोटा सा है, वो इसलिए मैं ऐसी जगह सेलेक्ट करके आया हूँ ताकि मतलब आपको एक ट्रू वैल्यू मिले। जब तक आप बहुत बड़े बड़े, ये देखिए पूरी जैकेट्स रखी हुई हैं, ठीक है, ये पूरी जैकेट है और इसके नीचे ये लेदर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि आपको वैसे ख़रीदारी कहाँ से करनी है। अगर आपको बिज़नेस करना है तो हमेशा याद रखो, अगर आपको बिज़नेस करना है तो ऐसी जगह से बिज़नेस करना है जहाँ पे
आपको एकदम सही प्राइस मिले। अब मान लीजिए इस कमरे का रेंट क्या होगा, इस कमरे का रेंट बहुत कम होगा, लेकिन अगर यहीं पे बहुत बड़ा कोई कारखाना होगा, बहुत यूनिक जगह पे होगा, तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो सारा कुछ जितने भी खर्चे आते हैं, ये समझ लो कोई अपने जेब पे तो बियर नहीं करता है ना, सारे खर्चे चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सारे खर्चे आपके जैकेट्स पे आते हैं। तो जब इस कारखाने में कोई जैकेट बनेगी, ये देखिए पैटर्न है ना, ये पैटर्न है, इन्हीं से सारा काम होता है। तो जितने भी खर्चे आपके आते हैं, जितने भी खर्चे आते हैं, जैसे मान लीजिए छोटे से कारखाने में कोई चीज़ बनाई जा रही है, अपने परिवार के साथ बनाई जा रही है, तो उसके खर्चे एकदम कम होंगे। तो वो जब कम होंगे तो उसका जो रेट आएगा वो कम रेट आएगा, वो आपको कम से कम माल में दे सकता है। लेकिन अगर आप यही यहाँ पर बनाएंगे, फिर यहाँ से जाएगा दिल्ली जाएगा, चेन्नई जाएगा, बेंगलोर जाएगा, जहाँ भी जाएगा, फिर जब यहाँ से वहाँ जाएगा तो यहाँ पे जो खर्चे हैं बढ़ते जाएंगे, फिर आपको वहाँ पे ज़्यादा रेट पे मिलता है। तो ये सारी बातें हैं, अगर आपको कोई बिज़नेस करना है तो इन सारी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा बारीक नज़र रख। अगर आप ये सारी चीज़ें समझते हो ना, तब आप बिज़नेस आगे अच्छा कर सकते हो, तब आप आगे जा सकते हो। अब रही बात लेदर जैकेट की, तो लेदर जैकेट का बिज़नेस के लिए मैंने आपको जो सारी चीज़ें दिखाई हैं, ये कारखाने तक मैं ला सकता हूँ आपको। आगे मैं बात करूँगा और इसके आगे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। आपका नाम क्या भैया? मुन्ना। मुन्ना जी हैं, ये छोटा सा कारखाना इन्हीं का है और काफ़ी मेहनती लग रहा है मुझे, देखते हैं आगे क्या हो सकता है, आप लोगों के लिए क्या अच्छा हो सकता है। मैं बस इसी पे लगा रहता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, कुछ ऐसा हो कि आप पैसे कमा सको, बस इतनी सी बात है, और सैंपल मिल सके। देखिए आप एक साथ ऐसा नहीं कि सब जैकेट ले आओ फिर परेशान हो फंस जाओ ना, आपको इतनी जैकेट लेनी है जिसमें एक सैंपल के रूप में आपको मिल जाए। जब आप आगे काम कर पाओ, जब आगे आप उसको बेच पाओ अपने क्षेत्र के डीलर, जैसे मान लीजिए आप नागपुर से हो, आप अपने होलसेलर के पास जाओगे, दिखाओगे सैंपल, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे 5 जैकेट ली, ठीक है, तो आपने वहाँ जाके सैंपल दिखाया कि सर ये ऐसा ऐसा है, आपको उससे अच्छा रेट मिलता है, मान लीजिए 500-600 आपको मार्जिन लग के काम हो जाता है, फिर आप होलसेलर को बेचो और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ले लो। तो सैंपल में शुरुआत में लो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। तो 5 मिनिमम लेनी ही चाहिए मुझे ऐसा लगता है, अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग थोड़ा साइज़ की, वो हम लोग सब मिल के दे सकते हैं, मैच करके डाल सकते हैं, फिर आप जैसे चाहो आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, आप और आगे अच्छा काम कर सकते हो। यही राइट समय है, ये नहीं होता है कि आप बाद में कुछ लो, अगर सर्दियों के समय लोगे तो ना ये दे पाएंगे ना कोई दे पाएगा, तो राइट समय यही है, समय मत गुजरने दो। और आप चाहो ना तो ये फुटपाथ पे भी बेच सकते हो। बस इतना ही कहना था, आगे देखते हैं फिर क्या हो सकता है, जैसा होगा मैं आपको अवगत कराऊंगा।